अब कंप्लेन कर रहा हूँ और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो है वो जबरदस्त किस्म की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और मौसम बहुत जबरदस्त हो गया। रात को बहुत अवस था, यकीन माने के उछड़ लगता था, यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी थी कि पसीना जो घिटेरा बड़े जलता था। और अभी जो है माशाल्लाह से ये बारिश हुई है और यकीन माने के सावन के महीने में ये बारिश हो जाना थोड़ी देर के लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का मौसम हो जाता है जनाब इमान। और मैं अपने दोस्तों को ये बताता चलूँ कि कश्मीर, नरान, गलगी, तुंजास, करदू, इन इलाकों के अंदर जाने वाले लोग, चूंकि कश्मीर की तरफ भी लोग जाते थे और ये फेर हो गया, कल से जो है वो हिंदू बुनिया ने जो है वो बारिश पासा मारे है, गोले शोले मारे हैं और जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे नुकसान हो गए, हमारे बहुत सारे नौजवान और हमारे जो है वो बच्चे जो है वो जख्मी हो गए और बहुत सारे लोग शहीद हो गए। इसलिए मैं अपने टूर पर इधर तेबड़े फिरने वाले लोगों को ये कहूंगा कि जनाबे बंद जरूर आए फेरे थुरे, लेकिन कोशिश करें कि जितने तेरे ये थोड़ा सा सिस्टम जो है वो खराब है इतने तेरे कोशिश करें कि भैया ये उधर गए सिर देने की कोशिश ना करें, ताकि किसी किस्म की परेशानी से आप बचे और अपने आप को जो है बिल्कुल सेफ रखें। और बाकी ये है कि अपने अपने कोठे छोटे जो है उनका ख्याल रखें, बलिया शिलियाँ जो है वो बंद कर रखें ताकि आपके कोठे चौए ना। और इसी तरीके से जनाब मन अगर आप थोड़ा सा और इस चीज की तरफ त्वजा दे तो बारिश के अंदर जो है वो छतरी कोड रखें जनाब मन और खूंडा कोड रखें और जो है ना वो प्लास्टिक के बूट लगा कर गिरे जाए ताकि आपकी जो है वो हैप्पी शश वाली हैशी पैप वाली जो चप्पलियां हैं वो इस बारिश की वजह से जो है वो उसके डंगे शंगे ना निकल जाए जनाब मन। इसलिए आप कोशिश करें कि भाई बदल के अंदर जो है वो थोड़े से बूट छूट खड़ामे शड़ामे हो तो उससे गुजारा करें और जब बादल खत्म हो तो ये गारे शारे से बचने के लिए जनाबे मान ये आपको बता रहा हूँ, ताकि ये आजकल आपको पता है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और ये हैशी पैप वाली जो चप्पलियां हैं, हैशी पप्पा का पता नहीं क्या नाम है उसका, मुझे वो भूल गया, वो वाली चप्पलियां जो है वो कोशिश करें कि यार उनको बचाए ताकि उनके डंगे निकल जाएंगे तो फिर आप परेशान होंगे। इसलिए आप इसके साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, लोगों के निके जो है वो स्कूलों में भेजते हैं तो उनको भी कोई ना कोई जो है वो कोई छपन पड़ा आजकल मिलता है जो ऊपर से जो है वो डांगरी जिसको पुराने जमाने में लोग बोलते थे, ये जो सावन का महीना है इसमें वो डांगरी साथ रखें। ज्यादातर जब चंग डंडूल होता है और चोहर छोकर होता है तो उस वक्त जो है वो छतरियां उड़ जाती हैं, इसलिए आप ये बात साथ रखें और अपना ख्याल रखें। शौकत सब गिला तब देखें।